हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डबल फर्टिलाइजेशन। हमारे ऑप्शंस हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। इसमें क्या होता है कि दो फ्यूज़न होते हैं। एक फ्यूज़न जो है मतलब एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग के साथ और बनाएगा जायगोट, और जो सेकंड फ्यूज़न होता है उसमें सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है एग के साथ और बनाएगा जायगोट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो बनाएगा बाद में जाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायरस इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन इज प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लिक एसिड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। हमारा राइट आंसर है प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। बात की जाए वायरस, जो वायरस है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस जो है ये न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है इट मे बी आइदर डीएनए और आरएनए, और जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कैप्सिड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एंड इट इज सराउंडेड बाय द कैप्सिड जो कि प्रोटीन की बनी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इज बेस्ड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, अल्टा स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। हमारा राइट आंसर है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जिसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट के ऊपर ही फोकस करते हैं, और ये सबसे पहले प्रपोज किया था कार्ल लिनियस ने। अगर बात की जाए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर या ओवरऑल कैरेक्टर को ये कंसीडर करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। हमारे ऑप्शंस हैं एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। हमारा राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर प्यूटेटरी। इट एक्ट एज बोथ हार्मोन एज वेल एज ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये एज अ फंक्शन करता है चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। बात की जाए प्रोलैक्टिन की, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। हमारे ऑप्शन हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स या फिर स्पायरोगायरा। राइट आंसर इज वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज द कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास की बात की जाए इट इज़ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा इज फिलामेंटस एल्गी एंड फ्यूकस एक थैलोइड ब्राउन एल्गी होती है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन फिश हर्ट। ऑप्शन इज 2, 1, 3 या फिर 4। हमारा राइट आंसर है 2। जो फिशेज होती हैं इन विच 2 चैम्बर ऑफ हर्ट इज़ प्रेजेंट। बात की जाए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं 3 चैम्बर्ड हर्ट, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल्स बट इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मैमल। मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड ऑफ हर्ट। सिंगल चैम्बर ऑफ हर्ट इज़ प्रेजेंट इन द हर्ड मानिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड। हमारा राइट आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। बात की जाए प्रोटीन की, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स होती हैं ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होती हैं, और जो अमाइनो एसिड होते हैं ये ज्वाइन होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में से वाटर जो है ये रिमूव करता है और बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा इन प्रोटीन। अगर बात की जाए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है
कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है डीएनए और आरएनए में, और एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इन फैट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन कनेक्ट्स कार्टिलेज विद मसल, बोन विद मसल, लिगामेंट विद मसल्स, या बोन विद बोन। हमारा राइट आंसर है बोन विद मसल्स। टेंडन एंड लिगामेंट आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं ये दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन और टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक, या फिर नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है यूरियोटैलिक। बात की जाए यूरियोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और ये प्रेजेंट होंगे जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेज, कुछ बोनी फिशेज, एडल्ट एम्फीबियंस हो गए, या मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कैसे हैं, यूरियोटैलिक एनिमल है। अमोनोटैलिक की बात की जाए, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं विच एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट, और जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, और ये प्रेजेंट होंगे जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, क्रस्टेशियंस, प्लैटीहेलमिंथस, नाइडेरिया, अकाइनोडर्म्स एंड फिशिज एंड एम्फीबियंस टैडपोल। इनमें ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है यूरियोटैलिक एनिमल्स, यूरिकोटैलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, और एग्जांपल रहेगा इसका टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड बर्ड्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। ऑप्शन ए है वीट हिमगिरी, मिल्च ब्रीड साहिवाल, राइस रत्ना, पूसा कोमल ब्रासिका। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। हमारा राइट आंसर है पूसा कोमल ब्रासिका। जो पूसा कोमल है इट इज़ द वेराइटी ऑफ काउपी क्रॉप। अगर बात करें हम वीट की वेराइटीज़ रहेंगी कल्याण सोना, सोनालिका, लर्मा रोजा 64A, सोनारा 64 अर्ली, साबरमती, सोनोरा। अगर राइस की बात करें, राइस की वेराइटीज़ रहती है जया एंड रत्ना। So thank you for watching our video. If you like our video, please like, share, subscribe our channel. Thank you once again.